राजधानी में केसरवानी वैश्य सभा मध्य प्रदेश की बैठक आयोजित की गई, जिसमें वैश्य सभा की विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। केसरवानी वैश्य सभा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता ने केसरवानी जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित करने की मांग उठाई। इसके साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से 5 सीटें और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से 4 सीटें समाज के प्रतिनिधियों को देने की बात कही। उन्होंने कहा, जिन सीटों पर केसरवानी जाति के लोग बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, उन्हीं सीटों के लिए समाज ने टिकट की मांग की है। बैठक में केसरवानी वैश्य सभा में पूरे प्रदेश के पदाधिकारी शामिल हुए और अपनी एकता का प्रदर्शन किया। जी हाँ, केसरवानी वैश्य सभा की मध्य प्रदेश की बैठक आज आनंद पैलेस में हुई। उसके पहले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानी कमलनाथ जी और प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा जी को केसरवानी वैश्य सभा मध्य प्रदेश की ओर से ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में इस बात का उल्लेख है कि केसरवानी समाज को पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किया जाए।